इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करने वाले। अगर हम कहें कि ये जो है ना इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, तो कोई भी गलत नहीं होगा कहना, बिकॉज एक्चुअली ये दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज करते हैं जब हम कोई अदर मेथड से उस इंटीग्रल का, उस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं निकाल पा रहे हो। इन दैट केस वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ऑब्वियसली इसमें प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। डिफरेंशिएशन में आपने जैसे यू वी रूल पढ़ा था, यू वी है ना, और उसका डेरिवेटिव, उसी तरीके से इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे, यू इंटू फर्स्ट फंक्शन, यू मीन्स फर्स्ट फंक्शन और वी मीन्स सेकेंड फंक्शन। पहला काम जो है वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे पता चलेगा, हु इज फर्स्ट, हु इज सेकेंड, विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकेंड। ठीक है, तो उसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस मैथमेटिशियंस ने रूल दिए हैं, लेकिन ये रूल जो है वो एकेडमिक लेवल पर तो फिट बैठते हैं, बट एडवांस क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिस रूल समटाइम्स डजंट वर्क। ठीक है, तो बेसिकली जो सेकेंड फंक्शन हम लेते हैं उस फंक्शन को जिसका इंटीग्रल हमें आसानी से पता होता है, ये आई क्या है, ये आई आई क्या है, ये आई है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अल्जेब्रिक फंक्शन, पी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं, वी चूज फर्स्ट फंक्शन दैट इज यू इन द गिवन ऑर्डर। जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। यहां तक क्लियर है पूजा जी? ठीक यस है, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो जय माता दी। यस सर, क्लियर है। आवाज बहुत कम कम आ रही है भाई, खा पी के बैठती है ना तुम? हाँ, यस सर, मेरी क्लास में पूरा एकदम बिल्कुल एक्टिव मोड में रहो। मैं खुद भी एक्टिव मोड में रहता हूँ, मेरी क्लासेस जो है वो 8 से 10 घंटे तो डेली ही होती है, इसमें मैक्सिमम ऑनलाइन ही होती है, और ऑनलाइन में ना आवाज थ्रो करने में थकावट बहुत होती है, बट स्टिल मैं लो नहीं रहता हूँ, हाई एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूँ, भले ही अंदर से लो एनर्जी फील करो। ठीक है, तो दो फंक्शन का यस सर, प्रोडक्ट, तो u v dx, इसको क्या लिखेंगे, u एंड इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज du बाय dx, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इन सब का इंटीग्रल पूरे का। तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो फंक्शन है, एक है मान लो एफ एक्स, दूसरा है जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल होता है एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज जी एक्स डी एक्स
और इस पूरे का इंटीग्रल। और इसी चीज को मैं ऐसे याद रखता हूँ लैंग्वेज में, कैसे इंटीग्रल ऑफ पास्ट फंक्शन, पास्ट फंक्शन, पास्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन माइनस का साइन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका इंटीग्रल। क्या ये इतना मुश्किल है क्या? नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। एक एग्जांपल लेंगे और लगेगा कि नहीं, ये दिखने में बड़ा, जब हम एक्चुअल में करेंगे तो ये बहुत छोटा होगा। एक इंटीग्रल लेते हैं, लेट्स से एक्स साइन एक्स डीएक्स। पूजा जी आप बताएं कि इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है। एक्स और साइन फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, कैसे साइन एक्स नहीं है, अलजेब्रा पहले फिर त्रिकोणमेट्री, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन वो किसको लेना है? हाँ, एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है और त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है। एक्सपोनेंट हम सबसे बाद में लेते हैं, एक्चुअल में उल्टा सोचो। अगर आप एक्सपोनेंट फंक्शन की बात करो तो इसका इंटीग्रल सबसे आसान होता है, इसलिए इंटीग्रल जो एक्सपोनेंट फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन लिया जाता है। सबसे पहले नंबर में सेकंड फंक्शन ये है, दूसरे नंबर में ट्रिगोनोमेट्री क्योंकि उसका भी इजीली पॉसिबल है, फिर अलजेब्रा। लॉग का लॉग सेकंड फंक्शन नहीं लेते हैं हम जल्दी, क्योंकि लॉग का हमारे पास है ही नहीं इंटीग्रल, इनवर्स का भी नहीं है इंटीग्रल डायरेक्ट, ठीक है। तो एक्स हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रल बताइए, बोलिए। नेगेटिव कॉस एक्स नेगेटिव कॉस एक्स, बिल्कुल सही, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल पता है आपको वन, और ये माइनस कॉस एक्स डीएक्स। बस इतना ही आसान, अगर ये लिखोगे पूरा पूरा ना तो लगेगा कि कितना बड़ा है ये। तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। पानी भी एक गिलास दे दो मेरे, बल्कि बोतल ही दे दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, आप एक्सरसाइज निकालिए, इसमें कोई और अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सारा इंटीग्रेशन का वैसे ही है एज इट इज। एक्सरसाइज 7.6, 7.6 एक्सरसाइज के बाद आपका एक टेस्ट होगा इंटीग्रेशन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये भी बात, कितने टेस्ट होंगे आपका? टेस्ट बहुत दिनों से पेंडिंग है बहुत सारे टॉपिक का, बट ये है कि पहले आप प्रैक्टिकल दे दो और पहले थोड़ा सिलेबस आपका और आगे निकाल देता हूँ। ठीक, तो एक्सरसाइज 7.6 पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं शायद बता चुका हूँ, है ना? तो सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, या पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जरा पानी वानी पी करके, तब तक आप देखो क्या हो सकता है। इस वाले आपकी रिकॉर्ड हो रही है, क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ लिंक, ठीक है, मे बी यूट्यूब लिंक और
में भी गूगल ड्राइव लिंक, यूट्यूब भी होगा तो वो सिक्योर लिंक होगा, मतलब पब्लिक लिंक नहीं होगा। फोर्थ, एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो आई इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स। बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा पूजा जी, बताइए। सर एक्स फिर एक्स पर चले गए आप, आई लेट बट आई नेवर लेट, आई लेट बट एक्चुअली आई नेवर लेट, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम एक्सेप्ट वन डे जब मैं भूल ही गया, बहुत थका हुआ कहीं से आया था। तो आई लेट यूज करते हैं तो लॉगरिथमिक पहले आता है अलजेब्रा से, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमारा है और ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू, देखो ऐसा समझो, अगर फर्स्ट फंक्शन चूज करने में ये आईलेट भूल जाते हो आप, तो ऐसा सोचो ना कि लॉग अगर आप लेते हो सेकंड फंक्शन, तो लॉग का इंटीग्रल निकालना पड़ेगा ना, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है दोनों जगह फॉर्मूला में। तो लॉग एक्स का तो इंटीग्रल पता ही नहीं है आपको, नहीं पता है, अभी आगे देखेंगे हम कैसे निकालते हैं इसका इंटीग्रल। और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स और इंटीग्रल एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। मैं एक साथ ही कर लेता हूँ काम, तो इससे आपको समझने में एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं, आसानी होता है, क्योंकि जब वो पूरा पूरा लिखूंगा तो लगेगा भयावह बड़ा लगेगा, उतना बड़ा है नहीं। माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस वन बाय टू एक्स डी एक्स। अब ये जो एक्स डी एक्स है उसका भी इंटीग्रल निकाल करके रख लो, बस हो गया काम, आपका काम हो चुका है। माइनस वन बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टू प्लस सी, बस ये आपका आंसर हो गया। आप खुश हो सकती हैं क्या आंसर आ गया आपका। अब आपके पास चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8, आप इनमें से कौन सा मुझसे पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन 7 और 8 दोनों में से कौन सा पूछना चाहते हैं, बताइए। एट एट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 आपको बताना पड़ेगा। जितने भी बच्चों से पूछता हूँ वो उसमें से एक दो बच्चे ने पिछले सेशन में और एक दो बच्चे ने इस सेशन में मुझे कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, अदरवाइज सारे बच्चे 8 ही कहते हैं। मान के चलते हैं कि आगे वाला अधिक डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर जो है केस थोड़ा अलग है, यहाँ पर केस अलग है। तो आपको जब 7th में डिफिकल्टी आएगी तो मैं हेल्प करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि आपने 8 कहा तो 8 बताऊंगा। एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आता है, आई लेट में आई पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस बारे में सारा लिख रहा हूं पूरा स्टेप, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इन सब का इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके लिखिए, एक्स स्क्वायर बाय टू टू थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए जो होता नहीं है मेरे से, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू को बाहर ले लें उसमें कोई नुकसान नहीं है,
अब बताओ पूजा, आगे क्या करना चाहिए हमें बताओ। डू यू हैव एनी आइडिया? आगे क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू से? वो सेकंड पार्ट अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी भी हाँ तो इंटरवल पे है, तो उसी की बात करो, सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व, उसी की बात करो। क्यूब ओवर 3 ((1+x)² नहीं, उससे कुछ खास नहीं या होगा फिर काम हमारा, टेन। बड़ा आसान है ये, बड़ा आसान है ये काम, ये काम बड़ा आसान है। कैसे? तो ये काम आसान, कैसे आसान है देखते हैं, कैसे आसान है। वन ऐड कर दो और वन सब्ट्रैक्ट कर दो, काम देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ और वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस माइनस प्लस हाफ वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो यहां से इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स कहाँ चला गया भाई, अपने आप भाग जाता है। माइनस हाफ एक्स और प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स है ना, प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप चाहें तो वन बाय टू बाहर कमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ आपकी मर्जी चल सकती है। टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स कॉमन लेकर के। तो ये छोटी मोटी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकती हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आंसर भी मैच करा करके देख सकती हैं कि इसी फॉर्म में है या अलग फॉर्म में है। ठीक है, तो आंसर चेक करिए और कंफर्म करिए जल्दी से, और फिर आपके यस लिए सर, वेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7। जनरली डालता नहीं हूँ। तो इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एक्स आई इनवर्स डी एक्स का इंटीग्रल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस का साइन और इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और ये इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस माइनस ये हो गया आपका वन ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। ठीक है, अब ग्रेट। इसको यहाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पूजा जी? यस सर, एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये वन बाय टू बाहर अगर हम ले लें, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर
समस्या ये है कि जैसा आपने पहले किया था वैसा नहीं कर पाए, लेकिन हम वैसा करके निकाल सकते। अब यहाँ पर दो रास्ते, रास्ता नंबर एक जो डिफिकल्ट है वो ये है कि दोबारा से हम इसको एक फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लें, दूसरा 1/√1 − x² सेकंड फंक्शन को ले लें, और फिर हम इसका इंटीग्रल निकालें। ठीक है, तो बात बन सकती है, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा। हो सकता है आगे चल करके फिर से आपको दोबारा इंटीग्रल, मतलब 3 बार इंटीग्रल करना पड़े। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसके फॉर्म में करने के बाद हम इसको बहुत आसानी से कर सकते, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस एक्सरसाइज के जस्ट बाद शुरू होता है। लेकिन बाद शुरू होता है, पहले शुरू होता है, ये किसको पता है? एज ए स्टूडेंट आपको थोड़ी पता है किसके बाद लिखा है कि पहले लिखा हुआ है। ना आपसे कोई एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसी में इसी तरीके से बताओ। दो बार करने के बजाय एक बार कर लो, उस तरीके से भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक काम कर लेते, इस बेचारे को I1 लेते, इसको हम I1 कंसिडर करते और ये पूरा इक्वेशन 1 ले लेते हैं I। तो I1 हमारा क्या हो गया बेसिकली? तो ये I हो गया आपका, I क्या हो गया? I हो गया आपका x² / 2 sin inverse x माइनस हाफ I1 माइनस हाफ I। ठीक है, I1 हमने ले लिया x² / √1 − x², I1 ले लिया हमने x² / √1 − x². अब यहां माइनस साइन अगर हम ले लें तो यहां भी माइनस साइन आ जाए, और अगर हम 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये तो −1 − x² अलग अलग कर लेते, √1 − x² dx, और माइनस माइनस प्लस 1/√1 − x² dx। पूजा यहां तक कंफर्म करो, समझ आया आपको? यस सर, हाँ, अब जो है ये कैंसिल आउट हो सकता है और ये बन सकता है √1 − x², है ना? यस सर, तो इसको I1 को फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? I1 को लिख सकते हैं −√1 − x² dx, और प्लस, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, डायरेक्ट sin inverse x होता है, तो ये I1 हो। नाउ √1 − x² का क्या था? तो भाई ये जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल है √a² − x², और यहीं पे मैं बता दूं आपको कि ये वाली जो है ना आगे के एक्सरसाइज में बहुत अधिक यूज होने वाला, पर्टिकुलरली यही समझ लो कि यही सबसे अधिक यूज होता है, √a² − x² dx, ये वाली इंटीग्रल सबसे अधिक यूज होता है। इसका क्या होता है? डायरेक्ट x/√a² − x² + a² / 2 sin inverse x/a, ये होता है। तो आप इसको रखेंगे याद और फिर आगे के लिए अपना काम करेंगे आसान। ठीक है, तो इस रूल पर अगर हम इसको रख दें तो ये क्या बनता है? ये बनता है I1 = −x/2√a² − x², ए स्क्वायर की जगह क्या है? ए की जगह क्या है? 1 है, ए की जगह 1 है, 1 − x² ठीक है, और प्लस a² / 2 मतलब 1/2 sin inverse x/1 sin inverse x।
ये आप रख दो और आपका काम हो चुका है, मीन्स यू हैव किल्ड आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई, इसमें रख देंगे हम इस वाले में, एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ आई वन, माइनस हाफ आई वन, आई वन के पहले आता है माइनस तो ये बन जाएगा प्लस, आई वन के पहले आता है माइनस तो ये बन जाएगा प्लस, और इसके बाद हम लिखेंगे ये ब्रैकेट में एक्स बाय टू, एक्स बाय टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, आई वन है, आई वन प्लस साइन इनवर्स एक्स भी था, ठीक है। तो एक्चुअल में ये देखा जाए तो माइनस हाफ इन दोनों को मिला करके माइनस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, बाद में हम इसको कर लेंगे, प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स और प्लस इसको रखेंगे तो ये वाली तो आपका मेरे ख्याल से ये जो है ये माइनस होगा लास्ट का, माइनस साइन, साइन का देख लेना एक बार फिर से आप, ठीक है, बाकी सब सही है, सब चंगा सी। एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर माइनस वन टू माइनस थ्री बाय फोर साइन वर्स एक्स, कैलकुलेशन पार्ट देख लेना आप फिर से, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये आंसर हो गया, बताओ समझ आया या नहीं आया। वो इंटीग्रल बीच में आपको याद, अब हम करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या बुला है, इसका कैसे होगा इंटीग्रल, ये तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा, इसका इंटीग्रल कैसे होगा, कैसे होगा पूजा, कैसे होगा। एक तो इनवर्स फंक्शन जिसका इंटीग्रल डायरेक्ट हमारे पास है नहीं, ऊपर से उसका स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर का तो वैसे भी नहीं है हमारे पास डायरेक्ट, एक्सेप्ट सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये मुसीबत आ गई। तो इस मुसीबत को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ सोच के बताओ क्या करोगे पूजा। सोचो, मेरी समझ में आ रहा, सर तो इसको किसी भी दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स में दो फंक्शन चाहिए, यहाँ तो एक ही फंक्शन, अब क्या बला है ये, यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, तो वन से मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में हमें दो अधिकार दिए गए हैं, इनबिल्ट राइट्स हैव बीन गिवन टू अस इन मैथमेटिक्स दैट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई बाय वन एंड वी कैन ऐड जीरो, दिस टू स्पेशल राइट्स हैव बीन गिवन टू अस इन मैथमेटिक्स, वन से हमने मल्टीप्लाई कर, वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता फंक्शन में, इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो वन से मल्टीप्लाई कर लिया, वन एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन,
इनवर्स फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन वन का वन डी एक्स क्या होगा, एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया पूछिएगा। टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, लेकिन एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इनटू सर वन डी एक्स इंटीग्रल एक्स डीएक्स। अब क्या होगा, अब ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस टू को बाहर, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करोगे पूजा बताओ, अब क्या होगा के बाद। क्या होगा, क्या होगा इसका, सर पता नहीं। पता नहीं। अरे तो यूनिडायरेक्शनल सोच रही है इसलिए कुछ नहीं होगा। जैसे ये आप मल्टी डायरेक्शनल सोचेंगे वैसे ही इसका क्या होगा ये पता चल जाएगा। तो इसका ये होगा अब कि इसको हम जो जनरल मेथड है उससे कर लेंगे, है ना। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। तो इसका डेरिवेटिव वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यही तो होगा जो है। लेकिन एक्स भी तो है, तो एक्स है तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो, एक्स है तो अच्छी बात, एक्स है तो कोई बात नहीं। हम यहां से एक्स को लिख लेंगे साइन टी, लिख सकते हैं पूजा। यस सर बोलो हाँ क्या ना, यस सर हाँ गुड, पूरी एनर्जी के साथ बैठो, समझ में आएगा। इंटीग्रेशन बहुत ही बेहतरीन काम है सर इसाक न्यूटन साहब का, जिसने हमारे बहुत सारे कामों को आसान, बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन इसाक न्यूटन साहब का है, कंट्रीब्यूशन है, जो मैथमेटिक्स के जानने पहचानने पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक न्यूटन साहब का कैलकुलस रहेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू साइन, सो ये हम अगर आई वन इसको हम कंसिडर कर लें, चलो एक साथ ही कर लेते हैं आई वन क्या कर, एक साथ ही हम करते चलते हैं। तो माइनस टू ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया टी साइन टी, क्या कहते हो आप, टी एक्स के लिए साइन टी और बाकी के लिए टी डी टी, तो टी साइन टी डी। अब फिर से बायपास सर आपको लगाना पड़ेगा, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है, बट बायपास आप लगा सकती हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अलजेब्रिक के बाद ट्रिगोनमेट्रिक आता है, तो टी इंटू माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रल का साइन टी डी टी, तो ये वन इंटू माइनस कॉस टी, तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, हमारा काम आसान डी टी, बस इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अब वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द आंसर, वी आर
इन द फाइनल प्रोसेस ऑफ गेटिंग आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 1 इंटू है यहाँ पे, प्लस साइन की माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, और 2 भी है तो -2 sin +t। अब क्या करना है, अब ये t को रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, t को तो रिप्लेस करना ही होगा, आप t को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x sin inverse x होल स्क्वायर +2t, t आपका साइन इनवर्स x है या cos t, तो इसको जिस तरीके से आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो। t हो गया आपका साइन इनवर्स x, cos t हो गया cos साइन इनवर्स x, cos रूट रूट हो जाए, cos t क्या हो जाएगा, √1 x2, थोड़ा सिंप्लीफाई ढंग से करना, cos t यहां से निकाल लो आप, cos t क्या होगा, √1 x2, तो √1 x2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन टी तो एक्स हो गया प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। बेहतरीन क्वेश्चन। एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन √1 x2 dx, क्या किया हमने, कॉस इनवर्स एक्स को टी ले लिया, ठीक है, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/√1 x2 dx = dt, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ आपका एक्स को यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, तो कॉस इनवर्स उधर जा करके कॉस टी बन जाए, तो जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनता है -t cos t dt। अब ये आसानी से बाय पार्ट्स में आप cos t जो है सेकंड फंक्शन, t फर्स्ट फंक्शन, आई लेट में a पहले आता है t बाद में आता है, तो t इंटू cos t का इंटीग्रल साइन t माइनस t का डिफ्रेंसिएशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू t और इंटीग्रल साइन t, साइन t का इंटीग्रल -cos t, फिर ये लिख लिया और सारी वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर दिया एक्स के टर्म, तो ये आंसर आ गया। नाउ आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं सीधा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एक विशेष रूल के बेस पर है और इस रूल पर सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट के कई सालों से, क्वेश्चन आते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूल क्या है, रूल क्या है, रूल क्या है, रूल क्या है, रूल है e to the power x f(x) +f'(x) और इसका इंटीग्रल विथ dx, ये सीधा सीधा होता है, बोलो बेटा बात समझ में आ रही है, मतलब जो फंक्शन सर है उसका डेरिवेटिव अगर प्लस में हो और e to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हो बाहर, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे e to the power x f(x+c), तो यहां पर देखा जाए तो डायरेक्ट इस रूल में है नहीं, लेकिन जहां इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में e to the power x देखे तो इस रूल को याद करके आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। मैंने क्या कहा, मैथमेटिक्स में इस बात पर बहुत मायने रखता है कि क्वेश्चन होने वाला है या नहीं, कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं,
अगर एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो बायपास, तो ये नहीं होने वाला। आपने बेसिक रूल पर जैसे ही सोचा वैसे ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो जहां पर आप देखो ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लीकेशन में दूसरे फंक्शन के साथ दो फंक्शन का सम अगर आता हो तो सबसे अच्छी बात, नहीं आता हो तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी रूल पर हो, लेकिन आप इस डायरेक्शन में भी सोच सकती हैं, ये कह रहा हूं मैं। तो आई इक्वल्स टू ये 1 प्लस एक्स तो आसानी से बन सकता है ना बेटा, बोलो हाँ या ना? बन यस सर, सकता है। ई टू दी पावर एक्स बाहर है, डी एक्स, और डिवीजन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो क्या बनता है? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये ई टू दी पावर एक्स बाहर डी एक्स। तो ये हो गया चेंज। तो आगे इसको लिख लिया 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बेटा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब ये देखो कि दिख रहा है आपको कि अगर हम लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर हम एफ एक्स ले लेते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स को, तो एफ डैश एक्स क्या बनता है हमारा? क्या होता है एफ डैश एक्स? क्या होगा इसका? -1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है वो इसी फॉर्म का है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, जिसका इंटीग्रल होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेशन हमारा है उसका आंसर होगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। इतना आसान है। एक बारी फॉर्म आपको मिल जाए इसके बाद तो आप बस यू विल जस्ट क्लिक। आसान है? यस सर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा हाँ फॉर्म को समझना पड़ेगा।